ज यू ऑल नो दिसक विदर वीडियो रिलेटेड यू सीरीज ऑफ फंडामेंटल ऑफ आंटरप्रनियोरशिप एंड इन दिस पार्ट वी आर गोइंग टू कवर नेक्स्ट टॉपिक सो पहले वाले पार्ट्स नहीं देखे हैं सो प्लीज चैनल की प्ले लिस्ट में जाके चेकआउट करेंगे टेलीग्राम इंस्टाग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप है कॉमर्स ग्रुप एस डब्ल्यू सो विदाआउट एनी फर्दर डिले लेट स्टार्ट दिस वीडियो नाउ गाइस आज हम बहुत स्मॉल टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं और टॉपिक का डिस्क्रिप्शन भी स्मॉल है, है मतलब जो टाइटल उसमें भी स्मॉल है डेट इज स्मॉल बिजनेस इंपॉर्टेंस इससे पहले हमने डिस्कस किया था स्मॉल बिजनेस क्या होता है ठीक है स्मॉल बिजनेस की मीनिंग डिस्कस की थी फीचर डिस्कस किए थे और स्मॉल बिजनेस के ऑब्जेक्टिव डिस्कस किए थे अब हम इम्पॉर्टेंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि क्या इम्पॉर्टेंस है मतलब जैसे कि कोई स्टार्टअप है या कोई ऑफकोर्स स्टार्टअप तो छोटे लेवल से स्टार्ट कर रहा है या कोई स्मॉल स्केल का बिजनेस रन कर रहा है तो क्या फ़ायदे है जो वो बिजनेस हमारी सोसाइटी में हमारी कंट्री में इम्प्लॉयज के लिए लोगों के लिए कस्टमर्स के लिए सबके लिए लाता है या क्रिएट करता है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है ठीक है सो चलिए डिस्कस कर लेते हैं ओके सो इम्पोर्टेंस की बात की जाए तो बहुत ही आसान है कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं चाहे छोटे लेवल के बिज़नेस हो हमारी इकोनॉमी में सोसाइटी में बहुत सारे रीज़न की वजह से जैसे कि जॉब क्रिएशन अब स्मॉल बिजनेस में मान लो कोई ठेले पे शॉप लगा रहा है ठीक है चाय बेच रहा है या फिर किनारे की कोई छोटी दुकान है तो ऐसा तो नहीं कि इनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है या बड़े बड़े जो शोरूम है बस हमारी कंट्री में वही है जो गवर्नमेंट को इनकम दे रहे हैं या कंट्री में ग्रोथ कर रहे हैं या इकोनॉमी जी डी पी जिसकी वजह से बढ़ रही है छोटे लेवल से ही जाके बड़े लेवल में बिजनेस कन्वर्ट होंगे तो पहला है कि जॉब क्रिएशन जो स्मॉल बिजनेस होते हैं वो इम्पोर्टेड इंप्लॉयर्स होते हैं मीन ये बहुत सारे वर्क फोर्स को बहुत सारे पोर्शन में जॉब जो है वो क्या कर रहे हैं प्रोवाइड कर रहे हैं स्पेशली जो कम्युनिटी लोकल है लाइक like ऐसे कोई गांव में है तो कोई हैंडीक्राफ्ट बिजनेस है ठीक है तो बहुत सारे इंप्लॉयर्स बहुत सारे लोगों को उस बिजनेस में लगा रहे हैं जो हैंडीक्राफ्ट वर्क कर रहे हैं और जॉब क्रिएट कर रहे हैं उस जगह जहाँ लोगों को जॉब पहले नहीं मिल रही थी तो ये एक इंपॉर्टेंस हो गई दूसरी है कि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी ये कंट्री की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करते हैं इनकम जनरेट करके ऑफ़ ऑफकोर्स ये जनरेट करेंगे इनकम टैक्स yes, पे करेंगे जिससे क्या होगा कंट्री की जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं वो बढ़ेंगी वो ग्रोथ होगी और कंट्री मूव करेगी डेवलपमेंट की ओर सो नेक्स्ट है इनोवेशन ऑफ़ कोर्स स्मॉल बिजनेस है इट डजन मीन कि इनोवेटिव नहीं होंगे ये नए आइडियाज नए प्रोडक्ट सर्विसेज के साथ आते हैं जो मार्केट में लाते हैं जो कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई करता है कुछ नया आता है जिससे कुछ चेंजेस आते हैं हमारी सोसाइटी में ठीक है तो इनोवेशन आ रहा है और कंपटीशन बढ़ रहा है क्योंकि ये अगर इनोवेशन कर रहा है तो फिर लार्ज बिजनेस में भी रहता है कि स्मॉल बिजनेस अगर इनोवेशन की तरफ है तो हमें भी क्या करना है अपनी हमें भी इनोवेट करना है या इम्प्रूवमेंट लाना है नेक्स्ट है हमारा कम्युनिटी सपोर्ट कम्युनिटी सपोर्ट मतलब क्या है कि ये जो बिजनेस है स्मॉल बिजनेस ये हेल्प करते हैं एक सस्टेन लोकल कम्युनिटीज क्रिएट करने में बाय ऑफरिंग यूनिक प्रोडक्ट एंड सर्विसेज सपोर्टिंग लोकल इवेंट एंड मेंटेनिंग क्लोज रिलेशनशिप विद कस्टमर ऑफकोर्स कम्युनिटी जिस कम्युनिटी में ये है उस कम्युनिटी का डेवलपमेंट तो होगा ही क्योंकि वहाँ के लोगों को ये अच्छे क्वालिटी गुड एंड सर्विसेज यूनिक इनोवेटिव गुड एंड सर्विसेज दे रहे हैं जो पहले उन्हें नहीं मिल रही थी इवन जो लोकल इवेंट्स हो रहे हैं मान लो वहाँ पे उनको भी सपोर्ट कर रहे हैं उनके भी हेल्प कर रहे हैं फाइनेंशियली कोई इवेंट हो गया वहाँ पे हेल्थ से रिलेटेड इवेंट हो गया कोई कल्चरल इवेंट हो गया तो ये वहाँ पे भी थोड़ा सा अपने बिजनेस को ही सपोर्ट करने के लिए उसको प्रमोट कर दे रहे हैं कम्युनिटी को एक तरीके का क्या मिल रहा है इनसे सपोर्ट मिल रहा है और इसकी वजह से क्या हो रहा है जो कस्टमर्स हैं बाकायदा वो कम्युनिटी से ही आ रहे हैं उनके साथ भी इनका रिलेशनशिप स्ट्रांग हो रहा है वो भी इनको इस नज़र से देख रहे हैं कि ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट इवेंट्स में अच्छे क्वालिटी गुड एंड सर्विसेज के साथ साथ सपोर्ट करते हैं नेक्स्ट थिंग्स फ्लेक्सिबिलिटी एंड एंडिटी फ्लेक्सिबिलिटी एंड ऑप्टिबिलिटी का मतलब क्या है कि जो तो छोटे बिजनेस होते हैं ना वो चेंजेस जो भी मार्केट में आ रहे हैं या कस्टमर की जो भी नीड है उसको बहुत ही क्विकली अडॉप्ट कर लेते हैं जैसे कस्टमर का जैसे उन्हें पता चला कि टेस्ट जो भी वो प्रोडक्ट दे रहे हैं उससे वो डिसेटिस्फाइड है तो फिर वो जो चेंजेस है उसको तुरंत क्या करना चाहेंगे इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे ताकि उनका कस्टमर बेस जो है वो हिले नहीं तो इससे क्या होगा कि ये जो भी इकोनॉमिक शिफ्ट होती है लाइक जो भी चेंजेस आ रहे हैं इकोनॉमिक में उसके टूवर्ड मूव करना पसंद करते हैं और जल्दी मूव कर जाते हैं नेक्स्ट इज डाइवर्सिटी मार्केट प्लेस दे प्रोवाइड अ वाइड प्रोवाइडी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑफर केटरिंग टू नीच मार्केट डेट लार्जर कंपनी में ओवर ये मार्केट की जो तो डाइवर्सिटी है उसको भी क्या करते हैं कैच कर लेते हैं बहुत वैरायटी ऑफ गुड़ सर्विसेज दे पाते हैं जैसे कि को कोई लार्ज कंपनी है वो क्या करेगी वो एक टाइप का गुड बना रही है उसको फर्क नहीं पड़ता कि अलग अलग कम्युनिटी के लोग अलग अलग चीज चाह रहे हैं या नहीं चाह रहे हैं उनको डाइवर्सिटी से कोई मतलब नहीं होता उनको है कि हम एक चीज इसी पैटर्न बना रहे जिसको खरीदना आएगा हमारा ब्रांड नेम है बिकेगा बट जो स्मॉल बिजनेस है लोकल बिजनेस है जो छोटे बिजनेस है वो क्या करते हैं वो फोकस करते हैं ज्यादा से ज्यादा कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए इसी के लिए वो उतनी वैरायटी ऑफ गुड्स सर्विसेज ला देते हैं जिससे वो क्या हो ये नहीं पसंद तो वो पे स्विच कर जाए ऑनटरप्रिन्यरशिप ऑफकोर्स स्मॉल बिजनेस जो है वो ऑनटरप्रिनोरशिप इंकरेज करते हैं मीन्स अलाउ करते हैं इंडिविजल को कि वो अपने पैशन को परस्यू कर पाए वेल्थ क्रिएट कर पाए सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर पाए मीन्स जो ऑन्टरप्रेनोरशिप है जो स्मॉल बिजनेस है वो क्या करेंगे जब लोग उनको देखेंगे किसी ने छोटा बिजनेस लेवल पे स्टार्ट किया तो एक तरीके से उसका चल रहा है तो लोग इंकरेज होंगे कि हमें भी क्या करना है ऑन्टरप्रीनरशिप में जाना है हमें भी कुछ अपना स्टार्टअप करना है ठीक है जिससे इंडिविजुअल का जिससे कोई भी पैशन है जिसके मान लो किसी को ज्वेलरी मेकिंग पसंद है उसे देखा स्मॉल बिजनेस में स्कोप है वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं सोसाइटी में हमें कुछ कंट्रीब्यूशन करना है तो लोग क्या करते हैं एक दूसरे को देख के मोटिवेट होते हैं

और अपने फ्रेंड के साथ इस पूरी प्ले को जरूर शेयर करेंगे थैंक यू